नमस्कार स्टूडेंट्स, हम फ्लूइड मैकेनिक्स की शीट सॉल्व कर रहे थे। कल हमने सेकंड स्टेज के 18 क्वेश्चन कर लिए थे। हम आगे डिस्कस करेंगे 19th नंबर क्वेश्चन से। ओके, देखिए, वी हैव टू नैरो कैपिलरी ट्यूब T1 एंड T2, देयर लेंथ आर L1 एंड L2 एंड रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन आर R1 R2 रेस्पेक्टिवली। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू T1 इज 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड व्हेन द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज P। वट विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू T2 अंडर द सेम प्रेशर डिफरेंस गिवन L1 इक्वल टू L2 एंड R1 इक्वल टू 2R2। देखिए, पाइजोली इक्वेशन आपने पढ़ी थी, क्या थी? Q इक्वल टू dV/dt इक्वल टू क्या था? πPr4/8ηL। सब सेम है, केवल R डिफरेंस हो रहा है। तो उस केस में आपसे इसका रेट ऑफ फ्लो पूछा है, तो Q2/Q1 क्या हो गया? R2/R1⁴। अब R2 आपके पास कितना दिया है? R2 आपको R1 और R2 का रेशियो दे रखा है आपको, तो R1 इक्वल टू 2R2 दिया है, तो 1/2⁴। तो इसका मतलब आपके पास 1/16 आ जाएगा। ओके, तो आपके पास Q2 कितना हो गया? Q1/16, मतलब 8/16, 1/2, मतलब 2.5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 20 नंबर, टू बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम व्हेन सस्पेंडेड इन वाटर फ्रॉम द आर्म्स ऑफ ए बैलेंस। द मास ऑफ वन बॉडी इज 36 ग्राम, इट्स डेंसिटी इज 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इफ द मास ऑफ द अदर इज 48 ग्राम, इट्स डेंसिटी इन मीटर ग्राम पर मीटर क्यूब। टू बॉडीज है, वो इक्विलिब्रियम में सस्पेंडेड है, उस केस में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, आपको वॉल्यूम नहीं दिया, इसका मतलब जितना अपरेंट एक साइड है उतना ही दूसरी साइड होगा। अपरेंट को आप लिखते क्या है? वेट माइनस बायोंसी लिखते हैं, लेकिन आपको बायोंसी के अंदर वॉल्यूम नहीं दिया, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, mg-ρ water vg। आपको वी नहीं दिया, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, mg कॉमन लीजिए, 1-ρ water vg/m। m/v को आप डेंसिटी ऑफ सॉलिड लिखते हैं, तो mg 1-ρ water/ρ solid लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए, दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब जी से जी कैंसिल हो जाना है। तो पहले वाले आर्म में देखिए क्या है, 36 ग्राम है उसका, 36 1-1 by water का 1 है और उसकी डेंसिटी 9 है, इक्वल टू दूसरे वाले का 48 है और 1-, उसकी डेंसिटी आपको पता करनी है। ओके, तो आप यहां से इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो आपके पास क्या हो गया, 3-1/3 इक्वल टू, या इसे आप 8/9 लिख सकते हैं, तो 3 × 8/9 इक्वल टू 4 × 1-1/ρ solid, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये 2/3 आ जाएगा, तो 1/ρ solid क्या है? 1-2/3, मतलब 1/3, तो रो सॉलिड 3 आ जाएगा। इन ए प्लांट ए स्क्रोज सॉल्यूशन ऑफ कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इतना इज ड्राइविंग एट ए वेलोसिटी इतना थ्रू द जाइलम वेसल ऑफ रेडियस इतना एंड लेंथ इतना, द हाइड्रोलिक प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ जाइलम वेसल इज, ये आ जाएगा आपके पास। आपको इसने वेलोसिटी दे रखी है, रेडियस दे रखा है। देखिए, क्यू को आप क्या लिखते हैं? ए वी लिखते हैं, इक्वल टू πPr4/8ηL होता है। इसको आप लिख सकते हैं πR²V इक्वल टू πPr4/8ηL। तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ये R2 बच गया, तो वी इक्वल टू πR²/8ηL होता है। तो प्रेशर पूछा गया है, 8ηLV/R² आ जाए, वैल्यू रख दीजिए, ईटा की वैल्यू आपको दे रखी है 15 × 10⁻⁴। लेंथ आपको दे रखी है कितनी? 5 μm, मतलब 5 × 10⁻⁶। और वेलोसिटी आपको दे रखी है 10⁻³ बाय रेडियस का स्क्वायर। रेडियस आपको 2 μm दी थी, तो ये 4 × 10⁻½ हो जाएगी। तो ये कैंसिल हो गया 2 से, ये कितना हो गया 15 इंटू
10 इंटू माइनस 4 और ये माइनस 13 बाय 10 डेज टू पावर माइनस 12 इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर आ जाएगा। ए ब्लॉक ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ मास 1 केजी एंड वॉल्यूम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्ट्रिंग एंड देन कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए कंटेनर द डिक्रीजेस इन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में टेंशन कितनी डिक्रीज हो जाएगी, पहले टी इक्वल टू एम जी थी, अब क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू एम जी माइनस बायोन्सी होगी, तो कितनी डिक्रीज हो जाएगी, बायोन्सी जितनी डिक्रीज हो जाएगी, डेल टी इक्वल टू क्या हो गया, बायोन्सी जितनी डिक्रीज हो जाएगी, बायोन्सी क्या हो जाएगा आपके पास, आपको वॉल्यूम दिया है इसका, डेंसिटी वाटर की आपको पता है क्या होती है, 10 डेज टू पावर 3 इंटू 3.6 इंटू 10 डेज टू पावर माइनस 4 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लीजिए, 3.6 न्यूटन डिक्रीज हो जाएगी। द हाइट ऑफ ए डैम इन ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इज 10 मीटर। इन ऑर्डर टू जनरेट 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर द मास ऑफ वाटर दैट मस्ट फॉल पर सेकेंड ऑन द ब्लेड्स ऑफ द टर्बाइन इज, देखो पर सेकेंड कितना गिरना चाहिए, आप कह सकते हैं कि h हाइट से जब वाटर गिरेगा तो वर्क डन क्या होगा, एम जी एच, और वर्क डन बाय टाइम को आप पावर लिखते हैं, तो पर सेकंड वो कह रहा है कि कितना मास गिरना चाहिए, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि m बाय टी इक्वल टू पी बाय जी एच हो। तो आपके पास पावर कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, पावर आपको दे रखी है 1 मेगावाट बाय जी 10 और ये भी 10 इक्वल टू 10 डेज टू पावर 4 आ जाएगा। ए टैंक ऑफ हाइट एच इज फुली फिल्ड विद वाटर इफ द वाटर रजिंग फ्रॉम ए हॉल मेड इन द टैंक बिलो द फ्री सरफेस स्ट्राइक द फ्लोर एट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देन द डेप्थ ऑफ द हॉल फ्रॉम द फ्री सरफेस इज एच बाय 2 होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, ए रेक्टेंगुलर फ्रेम इज सस्पेंडेड, ए रेक्टेंगुलर फ्रेम इज सस्पेंडेड सिमेट्रिकली बाय टू स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ ऑन टू स्पोर्ट्स एज शो इन फिगर द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, देखो टेंशन पूछ रहा है कि विल बी स्मॉल हो सेम होगी या किसी एक में कम होगी, इसकी बात कर रहा है। ओके तो देखिए ये वाला जो केस होगा, अगर ये टेंशन टी है ये टी है, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, ये टी कॉस थीटा बैलेंस करेंगे इसके वेट को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, राइट, तो 2 टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी निकाल ले, क्या हो गया 2 टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, तो टी इक्वल टू एम जी बाय 2 कॉस थीटा, टी मिनिमम कब होगा, जब थीटा कॉस थीटा मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना होता है 1, तो थीटा कितना हो गया 0, तो टी इक्वल टू उस केस में मिनिमम हो जाएगा, तो इसका मतलब जब थीटा 0 होगा, थीटा 0 का मतलब सेकंड केस, ये एक्चुअली में काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन, सॉरी लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। 26 देखिए, प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर ऑन ए स्विमर 10 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ ए लेक इज, 10 मीटर बिलो, देखो 10 मीटर बिलो कितना प्रेशर होगा, एटमोस्फेरिक प्लस उसका रो जी एच, तो एटमोस्फेरिक प्लस ये कितना है 10 डेज टू पावर 3 इंटू 10 इंटू 10 बोले तो 2 इंटू 10 डेज टू 5 अप्रॉक्सीमेट 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। अप्रॉक्सीमेट क्यों लिया, क्योंकि एटमोस्फेरिक 10 डेज टू पावर 5 ना होकर 1.013 इंटू 10 डेज टू पावर 5 होता है। एन आइडियल फ्लो ऑफ ओनली फ्लूड मस्ट सेटिस्फाई कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ओके पास्कल लॉ भी नहीं, स्टॉक को भी नहीं, बर्नौली। नेक्स्ट देखिए, द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 6.5 मीटर पर सेकेंड, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इफ द डेंसिटी ऑफ ऑयल, देखो ये क्वेश्चन आप निकाल लेना, v इक्वल टू 2 आर स्क्वेयर जी रो माइनस सिग्मा बाय जी 9 ईटा, तो आपको ईटा पता करना है, तो ईटा आप पता कर लेना, आपको डेंसिटी ऑफ कॉपर दिया है 8.9 इंटू समथिंग और ये दिया है 1.5 इंटू समथिंग, सब वैल्यू दे रखी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एसोसिएटेड विद द लिक्विड ओनली नॉट फॉर गैसेज सरफेस टेंशन, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ वाटर स्प्लिट अप टू ए नंबर ऑफ ड्रॉप्स
देन क्या होगा, देन उसका एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया इंक्रीज होगा एनर्जी अब्जॉर्ब हो जाएगी। टर्बुलेंट फ्लो द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड नंबर ग्रेटर देन 2000 होने चाहिए। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कोसिटी, गैसेस की इंक्रीज होती है, लिक्विड की डिक्रीज होती है। बर्नौली इक्वेशन फॉर स्टडी नॉन विस्कोस इनकॉम्प्रेसिबल फ्लो एक्सप्रेस द एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि टोटल एनर्जी इसमें कंजर्व रहती है। इन ए लिफ्ट कंप्रेस्ड एयर एक्सर्ट ए फोर्स एफ वन ऑन ए स्मॉल पिस्टन हैविंग द रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर, दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड टू ए सेकेंड पिस्टन ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर, द मास ऑफ द कार बी लिफ्टेड इज इतना, देन एफ वन कितना होगा। देखिए एफ वन बाय ए वन इक्वल टू क्या होगा, एफ टू बाय ए टू। तो एफ वन क्या होगा, एफ टू इन टू ए वन बाय ए टू, जिसे आप लिख सकते हैं आर वन बाय आर टू का स्क्वेयर। अब देखिए एफ टू क्या है, कार का है, कार का कितना है 15 किलोग्राम है, तो जी के लिए आप 10 और ले लीजिए, 9.8 लेना है, सॉरी क्वेश्चन में गिवन। आर वन बाय आर टू क्या है, एक कार कंप्रेस्ड, कार छोटे पर रखी है, तो आर वन किसका है, आर टू किसका है, कार के लिए। दूसरा क्या हो गया, 15 सेंटीमीटर, कार बड़े वाले पर रखी होगी और फोर्स कहाँ लगाएंगे, छोटे वाले पर फोर्स लगाएंगे, तो आर वन जो रेडियस है वो छोटी है, 5/15^2, तो ये अप्रॉक्सीमेट 3 से कट गया, तो 50 × 9.8/9, ओके अप्रॉक्सीमेट 1470 के आसपास आ जाएगा। निकाल लेना इसका आंसर क्या आता है, ये 15 150 आ गया, तो 98 × 50 निकाल लेना जो भी आए। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड थ्रू ए पाइप, तो वेंचुरी मीटर होता है, ओके द डैम ऑफ वाटर रिसीवर, वेंचुरी मीटर से रेट ऑफ फ्लो भी मेजर कर सकते हैं और वेलोसिटी भी मेजर कर सकते हैं। द डैम ऑफ वाटर रिसीवर इज थिक एट द बॉटम, नीचे से वो थिक होता है, क्यों होता है, क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद डेप्थ, डेंसिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज विद द डेप्थ, क्योंकि डेप्थ के साथ क्या होता है, उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, इसलिए वहां से उसे मोटा बनाया जाता है, ज्यादा प्रेशर लगने से उसकी वॉल्स ना टूट जाए। ए मैन इज सिटिंग ऑन इन ए बोट विच इज फ्लोटिंग इन ए पॉन्ड, इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड द लेवल सेम रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि उसने वाटर जो पिया है उसके कारण उसका वेट इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसका जो जैसे उसका वेट इंक्रीज हुआ तो वो जिस उसने वाटर पिया है तो वेट कितने से इंक्रीज होगा, उसका वॉल्यूम क्या इंक्रीज हुआ, v इक्वल टू मास ऑफ वाटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और वो उतना ही उसको फ्लोट सॉरी डिस्प्लेस भी उतना ही करेगा जिससे उसका लेवल चेंज नहीं होगा। प्रेशर एट द पॉइंट इनसाइड ए लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, प्रेशर अंदर उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करता, द वर्किंग ऑफ एटोमाइजर डिपेंड्स अपॉन बर्नौली थ्योरम, टू डिफरेंट लिक्विड आर फ्लोइंग इन टू ट्यूब्स ऑफ इक्वल रेडियस इन द रेशियो ऑफ कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इतना, द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटी इज इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर क्रिटिकल वेलोसिटी कितना होगा। देखिए हम बात कर रहे थे 41 की, 41 क्या था, टू डिफरेंट लिक्विड थे ट्यूब के अंदर, इक्वल रेडियस थी, विस्कोसिटी और डेंसिटी दे रखी, क्रिटिकल वेलोसिटी। देखो आप रेनॉल्ड नंबर की बात करते हैं, एन आर इक्वल टू क्या पढ़ते हैं, रो वी डी बाय ईटा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईटा एन आर बाय रो डी। उसने कहा है कि सेम डायमीटर है, इक्वल रेडियस है, रेनॉल्ड नंबर डेफिनेटली सेम रहेगा ही, तो v1 वन बाय वी टू क्या हो गया, ईटा वन बाय ईटा टू इन टू रो टू बाय, विस्कोसिटी का रेशियो क्या दिया है दोनों का, 52/49 दिया है, और ये 1/13 आ जाए, तो आपके पास क्या आ गया, 4/49 आ गया। नेक्स्ट, टू गेट द मैक्सिमम फ्लाइट ऑफ ए बॉल मस्ट बी, तो मैक्सिमम फ्लाइट के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड आ जाएगा इसका, ओके वही मैग्नस इफेक्ट से। नेक्स्ट देखिए, इफ डब्ल्यू बी द वेट ऑफ ए बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इन वैक्यूम, देन द अपरेंट वेट इन द एयर ऑफ द डेंसिटी सिग्मा इज, अपरेंट वेट पूछा है,
अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, W अपेरेंट वेट इन एयर माइनस बायोंस वेट इन एयर सॉरी वैक्यूम इन बायोंसी, बायोंसी इसको आप क्या लिख सकते हैं, वेट को कॉमन लीजिए, 1 माइनस बायोंसी बाय वैक्यूम, 1 माइनस सिग्मा वीजी बाय रो वीजी, ये कैंसिल हो जाएगा तो सिग्मा बाय रो आ जाएगा। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ टू कंसेक्यूटिव लेयर्स इज 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, इफ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स इतना, द वेलोसिटी ग्रेडिएंट क्या होगा, माइनस डेल वी बाय डेल एक्स हो जाएगा। सॉरी क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर बाय 0.1 तो 80 पर सेकंड आ जाएगा। ए पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज यूज इन ए हाइड्रोलिक प्रेस टू एक्सर्ट ए फोर्स 10^7 डाइन्स ऑन द वाटर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द अदर पिस्टन विच सपोर्ट एन ऑब्जेक्ट, वही आ जाएगा F1 बाय A1 इक्वल टू F2 बाय A2 निकाल ले। ए वुडन ब्लॉक ऑफ वॉल्यूम 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग बैलेंस इफ द वेट 12 न्यूटन एयर, इट इज सस्पेंडेड इन वाटर विच दैट हाफ ऑफ द ब्लॉक इज बिलो द सर्फेस ऑफ द वाटर, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज, स्प्रिंग बैलेंस क्या होगा, वेट माइनस बायोंसी ना, वेट आपको कितना दिया है 12 न्यूटन, बायोंसी क्या 10^3 डेंसिटी होगी वाटर के लिए, वॉल्यूम उसका हाफ मतलब 500 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको मीटर क्यूब के लिए -6 कर देंगे, जी की वैल्यू 10 है तो आपके पास ये 10^6 से 6 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 7 न्यूटन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये थी आपकी सेकंड स्टेज, अब देखिए लास्ट थर्ड स्टेज के बारे में बात करें। थर्ड स्टेज में पहला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी थर्ड स्टेज में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 5/2 इज अटैच्ड विद ए स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन, हाफ इज डिप्ड इन वाटर इफ द एक्सटेंशन इन स्प्रिंग इज 1 cm, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉटम ऑन द टैंक ऑफ फोर्स विल, देखो इस पर टोटल फोर्सेस क्या लगेंगे, स्प्रिंग में एक्सपेंशन हुआ है kx, एक बायोंसी लगेगा, नीचे को वेट लगेगा और एक इसका नॉर्मल लगेगा, ये लगेंगे। देखिए वेट क्या दिया है आपको, सिंपल देखें इसका वेट आपके पास क्या हो गया, n प्लस kx प्लस बायोंसी इक्वल टू वेट है, तो आपसे नॉर्मल पूछा गया है तो नॉर्मल क्या हो गया, वेट माइनस बायोंसी माइनस kx हो जाएगा। अब देखिए इसका मास 2 kg है तो ये 20 हो गया, माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी इसकी दे रखी है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालने का आपको एक मेथड दे दिया, वॉल्यूम क्या होगा, मास बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, और इसे उसने दे रखा है रिलेटिव डेंसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर, तो ये आपके पास क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम क्या है, मास बाय रिलेटिव डेंसिटी और इंटू जी, राइट, और माइनस kx, kx कितना है 100 इंटू x क्या है 10^-2, ये कैंसिल हो गया, ये कितना है 20 - 20 बाय रो रिलेटिव आपको दे रखा है 5/2 - 1, तो ये 90 - 8 इक्वल टू कितना आ गया 11 न्यूटन आ जाए। ए स्पेयर ऑफ रेडियस आर एंड मेड ऑफ मटेरियल रिलेटिव डेंसिटी कॉन्सेंट्रिक कैविटी ऑफ रेडियस आर इज जस्ट फ्लोट व्हेन प्लेस्ड इन ए टैंक फुल ऑफ वाटर, द वैल्यू ऑफ द रेशियो ऑफ आर बाय आर, ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं सेम हो जाएगा। इफ ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेनिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, देयर आर 2 holes इन द वॉल साइड ऑफ द हाइट h1 एंड h2 respectively,
such that the range of the efflux of the bottom of the vessel is same, the height of the hall for which the range of efflux would be maximum. पहले आप टोटल हाइट निकाल लें और उसका हाफ होना चाहिए. अब देखो यहां से एक हॉल है और एक हॉल, ये उसकी टोटल हाइट है, ये हाइट H1 है, ये हाइट H2 है, रेंज सेम है. तो रेंज में क्या होता है, दो हाइट होती है, एक ऊपर वाली हाइट और एक नीचे वाली हाइट, यही होती है ना. रेंज इक्वल टू टू रूट एच माइनस एच इन टू एच, ये ऊपर वाली हाइट, ये ऊपर वाली होगी, ये नीचे वाली हाइट होगी, ऐसी होती है. रेंज सेम है तो इसका मतलब ये दोनों हाइट सेम रहेंगी. इसका मतलब ये H2 है और ये आपके पास H1 है. इसका मतलब जो टोटल हाइट है वो क्या है, H1 प्लस H2. तो मैक्सिमम के लिए H कितना होना चाहिए, H बाय 2 होना चाहिए. इसका मतलब H1 प्लस H2 का हाफ होगा, इसका मतलब फोर्थ आंसर आ जाए. ए लार्ज टैंक इज फिल्ड विद वाटर, ए स्मॉल हॉल इज मेड एट डेप्थ 10 सेंटीमीटर बिलो वाटर सरफेस, द रेंज ऑफ द वाटर इज़ूइंग आउट ऑफ द हॉल इज आर ऑन द ग्राउंड, व्हाट एक्स्ट्रा प्रेशर मस्ट बी अप्लाइड ऑन द वाटर सरफेस सो दैट द रेंज बिकम 2R. देखो रेंज को आप 2R करना चाहते हो, टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी चेंज हो रही है. इसका मतलब V1 और V2 क्या होगा, रेंज इक्वल टू VT है, T सेम हाइट पर होने के कारण चेंज नहीं हो रही, R2 इक्वल टू 2R1 है, तो डेफिनेटली V2 भी क्या होगा, 2V1 हो. वेलोसिटी को आप डबल करना चाहते हैं तो डबल करने के लिए आपको कितना उसका प्रेशर और लगाना पड़ेगा, राइट. आप यहां से इस कंटेनर से जो लिक्विड बाहर आ रहा है इसकी वेलोसिटी v थी, आप इसे जस्ट डबल करना चाहते हैं, डबल करने के लिए यहां आपको कोई एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा. तो इसका मतलब इसकी बर्नौली इक्वेशन जब आप लिखते हैं तो p नॉट प्लस p एक्स्ट्रा प्लस ये हाइट जो ग्राउंड से है h है, मान लो ये हाइट स्मॉल h थी, रो जी h इक्वल टू क्या होगा, P नॉट प्लस रो जी एच माइनस एच और प्लस वन बाय टू रो वी स्क्वेयर, सॉरी ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो आपके पास वी वन बाय टू रो वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या होगा, P प्लस रो जी एच. आप लिख सकते हैं वी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है आपके पास, उसकी जस्ट डबल है वेलोसिटी, डबल का मतलब रूट टू जी एच, यही है ना. तो वन बाय टू रो इंटू वी स्क्वेयर कितना हो गया, फोर इंटू टू जी एच इक्वल टू पी एक्स्ट्रा प्लस रो जी एच. तो ये टू से टू कैंसिल, इसका मतलब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना हो गया, थ्री रो जी एच हो जाएगा. तो थ्री इंटू टेन डेज टू पावर थ्री इंटू टेन इंटू टेन, तो अप्रॉक्सीमेट 3 एटमोस्फियर आपको और लगाना पड़ेगा. फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ए सिलेंड्रिकल वेसल कंटेन्स ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो अप टू ए हाइट h. द लिक्विड इज क्लोज्ड एट बाय ए पिस्टन ऑफ मास m एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a. देयर इज ए स्मॉल हॉल एट द बॉटम ऑफ द वेसल, द स्पीड v विद विच द लिक्विड कम्स आउट ऑफ द हॉल, ये क्वेश्चन बन जाएगा. देखो ये सेम क्वेश्चन बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, आप लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल टू टू पी एक्स्ट्रा बाय रो प्लस टू जी एच का रूट हो. अब एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगा, एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन के कारण फोर्स mg लगा, एरिया a है, तो आप क्या लिखोगे, mg बाय एरिया, तो a इंटू रो, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी. ओके नेक्स्ट देखिए, द ओपनिंग नियर द बॉटम ऑफ द वेसल शो इन द फिगर हैज एन एरिया a.
ए डिस्क इज हेल्ड अगेंस्ट द ओपनिंग टू कीप द लिक्विड फ्रॉम रनिंग आउट इफ द एफ वन बी द नेट फोर्स ऑन द डिस्क अप्लाइड बाय द लिक्विड एंड एयर इन द दिस केस नाउ द डिस्क इज मूव्ड अवे फ्रॉम द ओपनिंग ए शॉर्ट डिस्टेंस द लिक्विड कम्स आउट एंड स्ट्राइक द डिस्क इन इलास्टिकली F2 be the force exerted by the liquid in this condition is F2. Then आपके पास F1 और F2 का रेशियो पूछा है. देखिए पहले केस में क्या था, कितना फोर्स लग रहा था, जितना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था इनटू एरिया A. तो प्रेशर H हाइट नीचे कितना एग्जर्ट हो रहा था, रो जी H इनटू A. ये आपके पास पहले केस में लगने वाला क्या था, फोर्स था. अब दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में जब आप इसे ओपन कर दोगे तो डिस्क यहां रख दी, तो यहां से लिक्विड क्या है, वी वेलोसिटी से जाकर स्ट्राइक करेगा. तो अब फोर्स क्या लगेगा, एफ टू इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर, मैंने आपको बताया था ऐसा. वी क्या होता है, टू जी एच होता है रूट, तो क्या आ गया रो ए इंटू रूट टू जी एच का स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो गया रो जी एच ए का डबल हो गया. तो एफ वन बाय एफ टू की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, वन बाय टू आ जाएगी. ओके नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्वेश्चन, मैं आपको थ्योरी में बता चुका हूं इसका वन बाय रूट टू होगा, आप इसे कर सकते हैं. ओके नेक्स्ट देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन देखिए. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास एट्थ क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, ये कोई लिक्विड के अंदर एक ऐसी पाइप दी है, इसकी हाइट आपको दे रखी है 10.6 सेंटीमीटर. यहां से V1 वेलोसिटी से फ्लूइड जाएगा लिक्विड, तो यहां से V2 से बाहर निकल जाएगा. यहां प्रेशर क्या है P0, और यहां भी क्या है P0. तो पहले तो आप वेलोसिटी पता कर लो, इसके लिए क्या लिखेंगे, पी नॉट प्लस वन बाय टू रो वी वन स्क्वायर प्लस जीरो इक्वल टू, आप क्या लिख सकते हैं, पी नॉट प्लस वन बाय टू रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच नॉट. ये एच नॉट हाइट है आपके पास, आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली वी टू स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, वी वन स्क्वायर माइनस टू जी एच नॉट आ गया. अब वो कह रहा है यहां से लिक्विड कितनी हाइट तक जाएगा, ये H पूछ रहा है. तो H इक्वल टू क्या हो गया, V2 स्क्वायर बाय 2G. तो आप लिख सकते हैं V1 स्क्वायर बाय 2G माइनस H0. H0 सेंटीमीटर में दिया है, बाकी मीटर में दिए. यहां से जो हाइट आएगी वो मीटर में आएगी, उसको भी आप सेंटीमीटर में बदल सकते हो. 2.45 बाय 2 इंटू 9.8, ये मीटर था, इसको सेंटीमीटर के लिए 100 कर लिया. माइनस आपके पास एच नॉट कितना दिया है, 10.6. तो सेंटीमीटर में रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा, निकाल ले. ए वाइड वेसल विद ए स्मॉल होल इन ए बॉटम इज फिल्ड विद वाटर एंड केरोसिन नेग्लेक्टिंग द विस्कोसिटी द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो इज वी इफ द थिकनेस ऑफ द वाटर लेयर इज एच वन एंड दैट ऑफ केरोसिन इज एच टू एंड डेंसिटी क्या दे रखी है, वाटर की रो वन और केरोसिन की रो टू. तो आपसे पूछा गया है कि उस केस में उसकी वेलोसिटी क्या होगी. वही केस है, ऊपर आपको क्या दिया है, एक इस तरह की लेयर दी है, राइट, वाइड वेसल स्मॉल होल एट द बॉटम, राइट. अब इसमें एच वन तक तो आपके पास क्या है, रो वन डेंसिटी है, और एच टू तक आपके पास क्या है, रो टू डेंसिटी. मैं इस रो टू वाली हाइट को रो वन में बदल लेता हूं, तो यहां का प्रेशर देख लीजिए क्या है, ओके. इस पॉइंट का प्रेशर देखें क्या है, इसके कारण कितना था, रो टू जी एच टू, और अगर मैं वाटर ही लेता तो कितना आता, एच डैश आता. तो एच डैश मेरे पास क्या आ गया, रो टू एच टू बाय रो वन आ जाएगा, ओके. ये मेरे पास एच डैश आ गया. तो अब इसकी जगह पर सारा ही वाटर आ गया मेरे पास,
और उस वाटर की टोटल हाइट क्या होगी, एच वन प्लस एच डैश होगी, और इसकी डेंसिटी क्या है, रो वन। तो उस केस में यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी इक्वल टू रूट टू जी एच वन प्लस एच डैश हो जाएगी। आप एच डैश की वैल्यू रखोगे तो टू जी एच वन प्लस रो टू एच टू बाय रो वन का रूट आ जाएगी, कोई ऐसा आंसर इसका हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, थ्री कैपिलरी ऑफ लेंथ एल एल बाय टू एल बाय थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर रेडियस आर आर बाय टू आर बाय थ्री, देन इफ स्ट्रीम लाइन फ्लो इज बी मेंटेन एंड द प्रेशर अक्रॉस द फर्स्ट इज पी, देन प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द, देखो तीनों सीरीज में है तो सीरीज के लिए आपके पास रेट ऑफ फ्लो क्या होगा, सेम होगा। तो आप लिख सकते हैं पाई पी वन आर रेस 1/4/8 ईटा एल वन इक्वल टू पाई पी टू आर टू 4/8 ईटा एल टू और पाई पी थ्री आर थ्री 4/8 ईटा एल थ्री। आप यहां से प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हो, ये सब कैंसिल हो गए जिसको कैंसिल होना था, यहां से क्या बचा आर वन बाय, इसको आप लिख सकते हैं पी वन आर 4/L, इसको आप देखें रेडियस क्या है r/2 की पावर 4 है, तो आपके पास हो गया पी टू आर 4/8L हो जाएगा, क्योंकि r/2 का 4 1/16 और l/2 का 2 कैंसिल तो 8 बच गया। यहां देखिए यह l/3 है तो ये p3 r 4 1/3 का 4 और 1/3 तो 1/3 का 3 बच जाएगा, जिसे आप 27L लिख सकते हैं। इसका मतलब p1 = p2/8 = p3/27, तो p2 को 8p लिखेंगे और p3 को क्या लिखेंगे 27p, क्योंकि p1 आपको p गिवन है। ओके तो द प्रेशर डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ सेकेंडरी इज 8p एंड थर्ड इसका फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू मेटल स्फीयर आर फॉलिंग थ्रू ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी इतना एंड द सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द मटेरियल डेंसिटी ऑफ द वन एंड टू स्फीयर आर इतना एंड इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। देखो सेम वेलोसिटी है, वी इक्वल टू क्या होता है 2r² ρ - σg/9 ईट, तो इसका मतलब r जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट रो माइनस सिग्मा के, तो इसका मतलब दोनों के लिए डिफरेंस निकाल लेंगे। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, r1/r2 क्या हो गया रूट रो 2 - σg/ρ1 - σg, रो 2 दूसरे वाले का कितना है 11 × 10⁻³ और लिक्विड का कितना +3 और लिक्विड का कितना दिया है 2 × 10⁻³ दिया है, बाय आपके पास इसका कितना है 8 × 10⁻³ - 2 × 10⁻³ का रूट, तो ये कितना हो गया 9/6 का रूट आ जाएगा, जिसे आप √3/2 लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हेन एट रेस्ट द लिक्विड स्टैंड्स एट द सेम लेवल इन द ट्यूब शो इन द फिगर, व्हाट एज इंडिकेट ए हाइट एच डिफरेंस अकर्स व्हेन द सिस्टम इज गिवन एन एक्सेलरेशन टुवर्ड द राइट वेयर एच इज इक्वल टू। देखिए आपके पास ये ट्यूब दे रखी है और इस ट्यूब के लिए दोनों में डिफरेंस आ गया है हाइट में, किसके कारण आया है एक्सेलरेशन के कारण आया है, तो क्या होगा देखिए, ये डिफरेंस है एच का, ये एंगल बन गया थीटा, ये ए से इधर जा रहा है, तो ए को आप क्या लिख सकते हैं जी टेन थीटा लिख सकते हैं। आपसे पूछा क्या गया है, आप इसे लिखते क्या हैं, ये एल है तो आप जी एच बाय एल, तो एच को आप क्या लिखेंगे ए एल बाय जी लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, 12th के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, वाटर फ्लो थ्रू द फ्रिक्शनलेस डक्ट विद अ क्रॉस सेक्शन वेयरिंग एज शो इन फिगर, प्रेजेंस प्रेशर पी एट द पॉइंट्स अलोंग द एक्सिस इज रिपर। देखो पहले क्रॉस सेक्शन सेम है तो प्रेशर सेम रहेगा, जैसे क्रॉस सेक्शन डिक्रीज हुआ तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाए। ए लेड शॉट 1 मिलीमीटर डायमीटर फॉल्स थ्रू ए लॉन्ग कॉलम ऑफ ग्लिसरीन
द वेरिएशन ऑफ इट्स वेलोसिटी वी विद डिस्टेंस कवर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय, आपको बताया था थ्योरी में पहला आंसर हो जाएगा। 15 आपको बताया था जब ड्रॉप ना करके किसी वेलोसिटी से फेंकते हैं उस केस में कर्व कैसा होगा, कुछ ऐसा कर्व हो जाएगा। ग्रेट हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं इसका मतलब वहां वेलोसिटी जीरो नहीं थी। और 16 में देखिए स्ट्रीमलाइन फ्लो को कौन रिप्रेजेंट नहीं करता, सेकंड नहीं करता, ये एक टर्बुलेंट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसके अलावा आपके पास इसके प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनके लिए आप सीएलसी के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर के इनको आप देख सकते हैं, इनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा। ओके, ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स था। इसी टेस्ट के अंदर जो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास आना है, और नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास वेव थ्योरी। इस टेस्ट में आपके दो पॉइंट आएंगे, एक वेव थ्योरी होगा और दूसरा होगा आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के पार्ट के बाद हम बात करते हैं वेव थ्योरी। वेव थ्योरी क्या है देखिए, देखो वेव क्या है, जब भी मीडियम पार्टिकल के अंदर कोई डिस्टरबेंस होता है उस डिस्टरबेंस के कारण एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो वेव क्या होती है, प्रोपेगेट होती है किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। जरूरी नहीं है हर बार वहां पर एनर्जी का ट्रांसफर ही हो। वेव को अगर हम क्लासिफाइड करते हैं तो वेव को हम टोटल 4 वे से क्लासिफाइड कर सकते हैं। 4 वे कौन कौन सा है देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, मीडियम के बिहाफ पर, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, और ऑन द बेसिस ऑफ वेव मोशन। क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम वेव को हम टू कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, पहली कौन सी है, पहली है आपके पास मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है, जिस वेव के लिए ट्रेवल होने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव कहेंगे। और मैकेनिकल वेव के प्रोपेगेट होने के लिए हमें किसी न किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और मीडियम की दो प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज होती है, एक उसका इनर्शिया और दूसरा उसकी इलास्टिसिटी। कौन सी दो प्रॉपर्टी, वन इज इनर्शिया एंड सेकेंड इज इलास्टिसिटी, यहां पर मीडियम रिक्वायर्ड रहता है, रिक्वायर्ड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। सेकंड होती है आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कैन प्रोपेगेट इन वैक्यूम, इसके लिए मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। इसमें एग्जांपल देखें तो जैसे साउंड वेव, वेव इन स्ट्रिंग, इसके एग्जांपल देखें, या मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मीडियम फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फॉर एग्जांपल लाइट वेव, इसके अलावा आप कह सकते रेडियो वेव। नेक्स्ट आती है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम पार्टिकल, दैट इज इट इज द पार्ट ऑफ मैकेनिकल वेव। ओके, मैकेनिकल वेव के बिहाफ पर आप कहेंगे कि बेसिस ऑफ मीडियम पार्टिकल, मोशन ऑफ मीडियम पार्टिकल, देर आर टू टाइप्स ऑफ वेव, कौन कौन सी होती है, वन इज ट्रांसवर्स एंड सेकंड इज लॉन्गिट्यूडनल।
ट्रांसवर्स वेव में मीडियम पार्टिकल्स आर प्रोपेगेट आर ऑसिलेट परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। अगर वेव मोशन आपके पास इस डायरेक्शन में है तो मीडियम पार्टिकल इस डायरेक्शन में होंगे, ये मीडियम पार्टिकल इस डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे, ओके, और वेव मोशन इधर हो। इस केस में इन पॉइंट्स को आप क्रस्ट कहते हैं, द अपर पॉइंट आर नोन एज क्रस्ट एंड लोअर पॉइंट आर नोन एज ट्रफ। आपके पास इसे आप एक वेव कहते हैं और इसकी लेंथ को वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। क्रस्ट से क्रस्ट की डिस्टेंस भी लैम्डा के इक्वल होती है, ट्रफ टू ट्रफ भी, लेकिन क्रस्ट टू ट्रफ की जो डिस्टेंस होती है ये लैम्डा बाय टू होती है। इसमें वेव का प्रोपेगेशन किसके थ्रू होता है, थ्रू टू पॉइंट्स क्रस्ट एंड ट्रफ, क्रस्ट एट मैक्सिमम इन अपर साइड और ट्रफ लोअर साइड में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। अगर वेव मोशन और वेव मोशन और पार्टिकल सेम डायरेक्शन में हो, जैसे ये वाली, आपने एक स्प्रिंग को कंप्रेस किया छोड़ दिया, तो ये वाली वेव मीडियम पार्टिकल भी इधर वाइब्रेट, उसे आप लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। इसमें कंप्रेशन और रियर फ्रैक्शन के थ्रू इसका प्रोपेगेशन होता है, मीडियम पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, फिर मीडियम पार्टिकल पास पास आ जाते हैं, जब पास पास होते हैं इसे कंप्रेशन कहते हैं, और जब दूर दूर होते हैं उसे रेयर फ्रैक्शन कहते हैं। दो कंप्रेशन या दो रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस लैम्डा होती है, और एक कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाय टू होती है। मेरी बात के लिए यह है लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे आप ऑर्गन पाइप वगैरह में देखते हैं वो सारी लॉन्गिट्यूडनल, और किसी स्ट्रिंग में देखते हैं वो ट्रांसवर्स वेव। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी देखते हैं, या दो टाइप की वेव होती है, एक प्रोग्रेसिव होती है, प्रोग्रेसिव वेव के अंदर एनर्जी का ट्रांसफर होता है, और दूसरी स्टेशनरी होती है जिसे हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, इसमें एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता, हम इंडिविजुअली इनकी स्टडी भी करेंगे। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वेव मोशन तीन टाइप की वेव होती है, एक वन डायमेंशन, अगर वेव का प्रोपेगेशन एक ही डायरेक्शन में, जैसे एक स्ट्रिंग के अंदर वेव, एक टू डायमेंशन, जैसे वाटर सरफेस पर कोई वेव क्रिएट हो रही है तो इसमें वेव का प्रोपेगेशन एक मीडियम में होता है, एक होता है थ्री डायमेंशन, और थ्री डायमेंशन में वेव का प्रोपेगेशन तीनों डायरेक्शन में होता है, इसे हम कहते हैं थ्री डायमेंशनल वेव। ओके, हम कल से स्टडी स्टार्ट करेंगे इसकी, इसका कल से हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे प्रोग्रेसिव वेव, ओके, और इसके अलावा इसके फंडामेंटल जितनी भी बातें हैं उनकी हम कल स्टडी करेंगे। ये आपके पास इसका थोड़ा सा फंडामेंटल पॉइंट था। थैंक यू।